दोस्तों, ये अक्सर सुनने में आता रहता है कि किसी ना किसी देश में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कभी ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ मारपीट की जाती है तो कभी किसी अदर कंट्री में उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। ठीक ऐसे ही कनाडा में भारतीय छात्रों पर संकट के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने 700 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किसके पास हेल्प के लिए जाना चाहिए। ऐसे हालात में उनकी कोई मदद करने के लिए सामने भी नहीं आ रहा। इस वीडियो में हम आपको उनकी समस्या के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कनाडा की गवर्नमेंट उन 700 इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों अपने देश डिपोर्ट कर रही है। एक्चुअली हुआ यूं था कि 3 से 4 साल पहले कुछ इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा स्टूडेंट वीजा पर गए थे। अक्सर होता क्या है कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा में स्टडी के लिए जाते हैं, और कनाडा तो एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी है इंडिया के लिए, और स्पेशली सिखों के लिए तो कनाडा सबसे ऊपर होता है। उसमें से कुछ लोग स्टडी कंप्लीट होने के बाद इंडिया को रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उधर ही जॉब करने लगते हैं और फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। और जब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कोई भी अप्लाई करता है तो हर चीज को वेरीफाई किया जाता है। तो अब भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ जब कनाडा में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अब उधर ही जॉब कर रहे हैं, उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक्चुअली ऑफिसर्स लोग डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जब उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि 3 से 4 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर इंडिया से कनाडा गए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, तो उसमें सामने आता है कि उस समय इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स देकर स्टूडेंट वीजा हासिल किया था वो सभी फेक डॉक्यूमेंट्स थे। देखो, इसमें होता क्या है, अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एम्बेसी में उस देश के किसी स्कूल या फिर कॉलेज का ऑफर लेटर दिखाना होता है जहां पर आप एडमिशन के लिए जा रहे हो। तो इन लोगों ने भी एम्बेसी में उस वक्त ऑफर लेटर सबमिट किया था, लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यह सामने आया कि इन सभी स्टूडेंट्स ने उस वक्त एम्बेसी में फेक ऑफर लेटर दिया था, और इसी फ्रॉड के लिए अब कनाडा की गवर्नमेंट उन्हें इंडिया डिपोर्ट कर रही है। फ्रॉड उन्होंने नहीं किया था, बल्कि वो फ्रॉड के शिकार हुए थे, और ये ऐसे हुए थे कि उन्हें जो कॉलेज एडमिशन का ऑफर लेटर मिला था वह एक एजेंट ने अरेंज करवाया था, तो सारा फ्रॉड वाला काम उसी एजेंट ने ही किया था। दरअसल अधिकांश लोग एजेंट के माध्यम से ही किसी देश के कॉलेज में स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन लोगों ने भी एक एजेंट जिसका नाम ब्रजेश मिश्रा था उसी के माध्यम से कनाडा के कॉलेज में अप्लाई किया था। उस एजेंट का ऑफिस भी जालंधर में था, लेकिन इस वक्त उस एजेंट का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहां लापता है। तो उसने किया क्या था कि स्टूडेंट्स और उनके फैमिली वालों से बोला कि जिस कॉलेज में ये लोग स्टडी के लिए अप्लाई किए थे वहां से ऑफर लेटर आ चुका है, और अब ये सभी एम्बेसी में स्टूडेंट्स वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई होता है, और ये सारे लोग फिर इंडिया से कनाडा जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों की स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है और वे जॉब करने लगते हैं। अब जब अच्छी खासी जॉब लग गई तो उन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उनके उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, और उस इन्वेस्टिगेशन में उन सभी ऑफर लेटर को फेक पाया जाता है। तो हुआ क्या था कि उन स्टूडेंट्स ने जिन कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था वहां से ऑफर लेटर आया ही नहीं, लेकिन एजेंट ने बोला कि उसी कॉलेज से ऑफर लेटर आया है। और जब वे स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं तो एजेंट ने उनसे बोला कि ऐसा है कि अब उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन अदर कॉलेजेस में हो जाएगा। तो इन लोगों ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना स्टडी कंप्लीट कर जॉब करने लगे। अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिसेंट में ही जब उन्होंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया तो समस्या आ गई, और समस्या ऐसी आ गई कि अब उन्हें अपनी जॉब छोड़कर इंडिया आना होगा। अब थोड़ा जान लेते हैं उस एजेंट के बारे में भी, जिसकी वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। दरअसल उसका नाम ब्रजेश मिश्रा है, और उसका जालंधर में एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज नाम का एक फर्म था। इस कंपनी से वह लोगों को कनाडा में एडमिशन दिलवाने का काम करता था, और इन सब काम के लिए वह एक स्टूडेंट से लाखों रुपए लेता था। अब सवाल आ जाता है कि एजेंट फर्जी काम कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले यह जान लो कि जो भी एजेंट या कंसल्टेंट होते हैं उनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होता है, और इसलिए लोग इन लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट इनके पास जाता है तो वह अपनी इच्छा बताता है कि वह इस कॉलेज में एडमिशन चाहता है। लोग बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जो फेमस कॉलेज होते हैं उन्हीं में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो कॉलेज स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी। और अगर एडमिशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हो तो उससे एजेंट का भारी लॉस होता है, क्योंकि एजेंट स्टूडेंट के एप्लीकेशन से लेकर एम्बेसी तक और फिर कॉलेज तक का पूरा काम करता है, जिसके लिए वो लाखों रुपए चार्ज करता है। अगर स्टूडेंट्स का उस कॉलेज से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो एजेंट भारी नुकसान से बचने के लिए स्टूडेंट और उसकी फैमिली से ये बात छिपा लेता है।
एक्चुअली में कनाडा में ऐसा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी वीजा लेकर आया है तो उसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है, और इसी का फायदा ये इंडियन एजेंट लोग उठाते हैं और लोगों से लाखों रुपए की लूट करते हैं। तो ऐसा ही इस एजेंट यानी ब्रजेश मिश्रा ने भी किया था। उन स्टूडेंट्स ने जिन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहां से ऑफर आया ही नहीं था, लेकिन एजेंट ने उन लोगों को फेक ऑफर लेटर दे दिया और अपनी फीस लेकर उन्हें कनाडा भेज दिया। और फिर जब सभी स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच गए तो इसने उनको बोला कि उस कॉलेज में हो नहीं पाया, तुम लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन लोगों ने ऑलरेडी ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया था, तो सोचा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ही लो। और अब कनाडा सरकार उन सभी को डिपोर्ट कर रही है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट और एजेंट पर ही नहीं बल्कि इंडिया में जो कनाडा की एम्बेसी है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एम्बेसी ने वीजा जारी करने से पहले ऑफर लेटर को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया। तो इसमें गलती एम्बेसी की भी आ रही है। भाई देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑफर लेटर मिला है तो एम्बेसी उसे इजीली वीजा इशू कर देता है और उनके डॉक्यूमेंट्स को भी सिंपली वेरीफाई किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी छोटे कॉलेज से एडमिशन के लिए ऑफर मिला होगा तो एम्बेसी जल्दी वीजा मंजूर नहीं करती और हर एक डॉक्यूमेंट को बारीकी से चेक किया जाता है। यही कारण है कि एजेंट लोग बड़े कॉलेज में एडमिशन का ही स्टूडेंट्स को आश्वासन देते हैं। अब समझ लेते हैं कि 700 स्टूडेंट्स इस गंभीर समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो वहां की कोर्ट में अपील करें और दलील दें कि उनके साथ गलत हुआ है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और यदि उन्हें डिपोर्ट किया जाता है तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसमें उन्हीं को प्रॉब्लम होगी। एक तो कनाडा के अंदर वकीलों की हाई फाई फीस होती है और दूसरे ऐसे केस का फैसला आने में 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर उनकी समस्या कम होती दिख नहीं रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन इश्यूज को जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में अक्सर फेस करते हैं। देखिए जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा जाता है और किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वहाँ उस कॉलेज की हैवी फीस भी पेड करता है, इससे वहाँ की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट आता है। कनाडा गवर्नमेंट भी ऐसा बोलती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से वहाँ की GDP में हर साल 15.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर आता है। लेकिन जब यही स्टूडेंट्स वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की गई 1200 पॉइंट्स में से थ्रेशहोल्ड को अचीव करना होता है, और उस थ्रेशहोल्ड के लिए उनका एजुकेशन, जॉब ऑफर, स्किल, लैंग्वेज, कनाडा में उनके रिलेटिव्स जैसे चीजों को देखा जाता है। अब स्टूडेंट्स का जब सब कुछ सही होता है, जिसमें एजुकेशन हो गया, वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता है, उसके पास स्किल है, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी अगर उसके पास एक अच्छा जॉब ऑफर नहीं है और उसके रिलेटिव कनाडा में नहीं है तो इसके लिए उसका परमानेंट रेजिडेंसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब तक परमानेंट रेजिडेंसी उसे नहीं मिलती उसमें सिक्योरिटी नहीं आ पाती, वह उस लाइफ को नहीं फील कर सकता जिसकी वजह से वह इंडिया से बाहर गया था और लाखों रुपए खर्च किए थे। यह बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि कनाडा स्टूडेंट्स को तो वेलकम करने में बड़ी ही उत्साहित रहती है, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर किसी और अदर कंट्री के, लेकिन उनके हितों की रक्षा करने में उनकी गवर्नमेंट कहीं पर जरूर लैग करती है। यह इंडियन माइग्रेंट्स की कोई छोटी समस्या नहीं है, यह समस्या उन्हें हमेशा झेलनी होती है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2,26,000 से अधिक इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा ने वेलकम किया, इसमें उन्हें खूब रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। लेकिन जब उनकी स्टडी पूरी हो जाएगी और वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी थ्रेशहोल्ड स्कोर अचीव करना होगा जो शायद वे नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए उनका परमानेंट रेजिडेंसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा। अब आप जान लो कि थ्रेशहोल्ड स्कोर होता क्या है। दरअसल कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर माइग्रेंट्स के लिए एक नियम है और उस नियम के तहत 1200 पॉइंट्स फिक्स किए गए हैं। इन 1200 पॉइंट में कई फैक्टर को देखा जाता है जैसे एजुकेशन, स्किल, जॉब ऑफर और भी कई चीजें, और इसी में एक कट ऑफ फिक्स किया गया है जिसे थ्रेशहोल्ड स्कोर बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है उसे इस कट ऑफ को पार करना होता है, तभी उसे परमानेंट रेजिडेंसी का अप्रूवल मिल पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस न्यूज को लेकर सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।